पांच सब्जी बनाऊंगी। ये एकदम फ्रेश आधा केजी बैंगन है, इनको अब मैं सब्जी के लिए तैयार करूंगी। ये छीले नहीं जाते हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। देखिए ऐसे बनाएंगे। इस बैंगन को हम ऐसे चीरेंगे बीच से और इसको चेक करेंगे, एकदम फ्रेश है, कुछ भी नहीं है इसमें। कभी कभी कीड़े हो जाते हैं बैंगन में। तो ये मैंने बैंगन काट के तैयार कर लिए हैं। ये सारे इनके जो डंठल से हैं इनको भी निकाल दिया है और अब इसका तैयार करेंगे मसाला। तो ये ले लिए हमने मसाले। इसमें जीरा है, धनिया है साबुत, सौंफ है साबुत, और ये अमचूर पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी है, और ये तीन पीस प्याज के हैं और लहसुन है। और इनको अब हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। सौंफ, सारे मसाले जार में डाल लेंगे और इनको पीस लेंगे। प्याज को थोड़ा काट के मोटा मोटा और फिर डालेंगे जार में। तो ये मसाला पीस के सारा तैयार है और इसको हम भून लेंगे, गैस स्लो कर लेंगे। सारे मसाले डाल देंगे इसमें, इसे कलर देंगे जार को। ये जार को धुल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है हल्का सा और इसको धीमी आंच पे भून लेंगे। चलाते हुए धीमी आंच पे भूनेंगे। तो देखिए मसाले भून के तैयार हो गए हैं और अब मैं गैस बंद कर दूंगी और मसालों को थोड़ा ठंडा होने तक इंतजार करेंगे। तो ये मसाले जो हैं ये ठंडे हो गए हैं और इसमें अब हम स्वाद के हिसाब से नमक भी डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, नमक एकदम से मिल जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रह जाए। इस तरीके से नमक को भी हमने मिला लिया है मसालों में। तो ये मसाले ठंडे हो गए हैं और अब ये बैंगन हमने ले लिए हैं और इन बैंगन को अब इसमें हम भरेंगे मसाले। ऐसे चम्मच से ले लेंगे, हाथ से भी भर सकते हैं या चम्मच से भी भर लेंगे इसमें। ऐसे पूरे बैंगन में मसाले भर देंगे। इसी तरीके से सारे बैंगन में मसाले भर के तैयार कर लेंगे। जिस कढ़ाई में मैंने मसाला भुना था उसी को मैंने साफ करके फिर से रख ली है और अब इसमें डालेंगे तेल। तेल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे, हल्का सा धुआं निकलेगा तब तेल पक जाएगा। फिर मैंने बैंगन तैयार कर लिए हैं भर के सारे। ये थोड़ा सा मसाला जो है ये बचा हुआ है इसको इसी में डाल देंगे और थोड़ा पानी और डाल देंगे इसमें और इसको चला देंगे। गैस को मीडियम पे रखेंगे और इसको ढक देंगे।
तो ये मैंने एक बार खोल के सब्जी को फिर से चला दिया है, ऐसे मसालेदार सब्जी बनेगी इसकी। और इसको फिर से ढक देंगे। देखिए सब्जी कुछ कुछ पक गई है, इसमें अमचूर पड़ा है इसलिए इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। किसी भी सब्जी में अगर कोई खट्टी चीज़ पड़ी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है पकने में। अभी से हम और पकाएंगे। हल्का हल्का हो रहा है, देखिए दब सा रहा है बैंगन, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और लग जाएगा। अभी इसे और ढक देंगे और गैस को स्लो ही रखेंगे। बीच बीच में इसे खोल खोल के बार बार चला लेना है, नहीं तो सब्जी नीचे लग जाएगी। तो देखिए ये बैंगन बन के तैयार हैं। अब थोड़ा टाइम और लगेगा इनको। अब मैं खोल के ऐसे चला चला के पका लूँगी। गैस को थोड़ा मीडियम साइज पे कर लेंगे, अभी बिल्कुल स्लो थी। और इसको बार बार चला लेंगे और इसके लिए हरा धनिया काट लेंगे। ये देखिए बैंगन बढ़िया से हो गया है। और ये अब सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस साफ कर दूंगी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा कटा हुआ धनिया और इसको मिला देंगे। देखिए डोंगे में कर लिए सब्जी और ऊपर से हरा धनिया काट के इसको हमने थोड़ा सा सजा दिया है सब्जी को। ये सब्जी अब तैयार है। पराठे और रोटियों के साथ में बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। तो इसको बनाएं और खाएं और देखें इसका टेस्ट कैसा लगता है, और कमेंट करके बताएं।